हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइज वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। सो गाइज, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास्ड थ्रू इट। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड बाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड द ऑप्शन आर ए प्लास्टिक, बी रबर, सी आयरन एंड डी वुड। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी आयरन। सो गाइज, आयरन इज अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्किट एलिमेंट, एंड द ऑप्शंस आर ए स्विच, बी पोटेंशियल डिफरेंस, सी बैटरी एंड डी कनेक्टिंग वायर्स। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पोटेंशियल डिफरेंस। सो गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अ सर्किट एलिमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लोइंग बल्ब कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग डैश इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एंड द ऑप्शंस आर ए टॉर्च, बी कैंडल्स, सी लैंटर्न एंड डी सी एफ एल्स। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी सी एफ एल्स। सो गाइज, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लोइंग बल्ब कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग CFLs इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑन योर स्क्रीन। द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव्ड टू द डैश पोजिशन, एंड द ऑप्शन आर ए ऑन, बी ऑफ, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑन। सो गाइज, द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजिशन। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तभी बल्ब जल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑन योर स्क्रीन। द इलेक्ट्रिक करंट विच इज ब्रोकन एट सम पॉइंट इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए शॉर्ट सर्किट, बी क्लोज्ड सर्किट, सी ओपन सर्किट एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं।
So the correct answer of this question is C, open circuit. So guys, the electric current which is broken at some point is called open circuit. जो electric current होता है, अगर वो किसी जगह से टूटा हुआ होता है तो उसे हम open circuit बोलते हैं. Means क्या होता है, वहां से फिर electric current pass नहीं होता. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने next question की ओर. And here is the question number 6th on your screen. A dash is a cylindrical coil of current carrying wires. And the options are A, solenoid, B, voltmeter, C, ammeter and D, fuse. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, सोलेनोइड. सो गाइस, सोलेनोइड इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ करंट कैरिंग वायर. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7th ऑन योर स्क्रीन. नेम द स्विचेस व्हिच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट. एंड द ऑप्शंस आर ए, फ्यूजेस, बी, एमसीबीज, सी, लिमिट एंड डी, फ्लोट. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, MCBs. So guys, MCBs are the switches which automatically turn off when current in circuit exceeds the safe limit. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने next question की ओर. And here is the question number 8th on your screen. Which of the following metal is a poor conductor of electricity? And the options are A, copper, B, iron, C, aluminium and D, mercury. तो दोस्तों, अगर आप इस question का सही answer जानते हैं तो अपना answer जल्दी से comment करें. And your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मर्क्यूरी. सो गाइस, मर्क्यूरी इज द मेटल व्हिच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9th आपकी स्क्रीन पर. कॉइल्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ. एंड द ऑप्शंस आर ए, कॉपर, बी, मर्क्यूरी, सी, नाइक्रोम एंड डी, आयरन. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section. And your time starts now. Time up guys. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is C, nichrome. So guys, coils of heating devices are made up of nichrome. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन. फिलामेंट्स ऑफ बल्ब्स आर मेड अप ऑफ. एंड द ऑप्शंस आर ए, टंगस्टन, बी, नाइक्रोम, सी, कॉपर एंड डी, एल्यूमिनियम. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, टंगस्टन. सो गाइस, फिलामेंट्स ऑफ बल्ब्स आर मेड अप ऑफ टंगस्टन. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन. फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉयज ऑफ. एंड द ऑप्शंस आर ए, लो बॉइलिंग पॉइंट, बी, लो मेल्टिंग पॉइंट, सी, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डी, हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लो मेल्टिंग पॉइंट. सो गाइस, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉयज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन.
What is the full form of MCBs? And the options are A. Miniature circuit breakers, B. Minimum circuit breakers, C. Miniature current breakers and D. Minimum current breakers. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। सो गाइस द फुल फॉर्म ऑफ MCBs इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन। इन एन इलेक्ट्रिक बेल द हैमर स्ट्राइक्स द डैश ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस साउंड एंड द ऑप्शंस आर ए बॉल, बी बॉब, सी गोंग एंड डी सेल। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी गोंग। सो गाइस इन एन इलेक्ट्रिक बेल द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस साउंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14th आपकी स्क्रीन पर। वायर कैरिंग करंट प्रोड्यूस अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू एंड द ऑप्शंस आर ए केमिकल इफेक्ट, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी हीटिंग इफेक्ट एंड डी None of these। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस वायर कैरिंग करंट प्रोड्यूस अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। गाइस जिस वायर में करंट प्रोड्यूस होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जैसे कि आयरन होता है मैग्नेटिक मटेरियल क्योंकि उसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड बाय एंड द ऑप्शंस आर ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी मल्टीमीटर एंड डी टैकोमीटर। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट 7th की साइंस की वीडियो लाइट में ही मिलेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।